I request Shivuli Sudhanshu Mittal, who is student of standard 9th, Lakshadham High School, Goregaon. She will address in Hindi. विलास और ऐश्वर्य की गोद में पलते हुए, गुलाबों की शैया पर सोते हुए और कभी भी आंसू बहाए बिना भला कौन महान हुआ है? चरित्र गठन के लिए शिक्षा। मनुष्य का चरित्र उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों की समष्टि है, उसके मन के समस्त झुकावों का योग है। सुख और दुख जो जो उसकी आत्मा पर से होकर गुजरते हैं, वे उस पर अपनी अपनी छाप या संस्कार छोड़ जाते हैं और इन्हीं विभिन्न छापों की समष्टि मनुष्य का चरित्र कहलाता है। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। प्रत्येक विचार हमारे शरीर पर लोहे के टुकड़े पर हथौड़े की हल्की चोट के समान है और इससे हम जो बनना चाहते हैं बनते जाते हैं। हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक अंग संचालन, हमारा प्रत्येक विचार हमारे चित्त पर एक संस्कार छोड़ जाता है। यदि शुभ संस्कारों का प्राबल्य हो तो मनुष्य का चरित्र भी अच्छा होता है और यदि अशुभ संस्कारों का तो बुरा। मन में ऐसे बहुत से संस्कार इकट्ठे होने पर वे आदत या अभ्यास के रूप में परिणत हो जाते हैं। चरित्र तो बस पुनः पुनः अभ्यास की समष्टि मात्र है और इस प्रकार का पुनः पुनः अभ्यास ही मनुष्य के चरित्र का पुनर्गठन कर सकता है। हम गलतियां क्यों करते हैं? इसलिए कि हम दुर्बल हैं। हम दुर्बल क्यों हैं? इसलिए कि हम अज्ञानी हैं। हमें अज्ञानी कौन बनाता है? हम स्वयं ही। हम अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लेते हैं और अंधेरा है करके रोते रहते हैं। हाथ हटा लो तो प्रकाश ही प्रकाश है। सहायता कहीं बाहर से तो नहीं आती, सहायता तो भीतर से आती है, क्योंकि इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। यदि हम परिवर्तित हों तो संसार परिवर्तित होगा, यदि हम निर्मल हों तो संसार निर्मल होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि मैं दूसरों में दोष क्यों देखूं? जब तक मैं दोषमय न हो जाऊं मैं किसी में दोष नहीं देख सकता, जब तक मैं दुर्बल न हो जाऊं मैं दुखी नहीं हो सकता। लोगों के संसार के विषय में दो धारणाएं होती हैं। कुछ लोग निराशावादी होते हैं और कहते हैं संसार कैसा भयानक है, कैसा दुष्ट है, और दूसरे लोग आशावादी होते हैं और कहते हैं आहा, संसार कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। यही संसार सुखमय हो जाएगा यदि हम अपने मन को परिवर्तित कर लें। यदि यह कमरा हजारों वर्षों से अंधकार पूर्ण हो और तुम उसमें जाकर रोने धोने लगो, हाय बड़ा अंधेरा है, हाय बड़ा अंधेरा है, तो क्या उससे अंधकार चला जाएगा? दिया सलाई जलाओ और एक क्षण में अंधकार दूर हो जाएगा। ज्ञान अग्नि प्रज्वलित करो और एक क्षण में सारा शुभ चला जाएगा। अपने चरित्र का निर्माण करो, अपने प्रकृति स्वरूप को, उसी ज्योतिर्मय उज्ज्वल नित्य शुद्ध स्वरूप को प्रकाशित करो और प्रत्येक व्यक्ति में उसी आत्मा को जगाओ। धन्यवाद। ये झलक है हमारे भारत की संतानों की। I request Revered Swami Satyadevani Ji Maharaj to felicitate Shivuli.